बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, ग्रुप मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करंट अफेयर पे बात करेंगे, जो मौजूदा कोरोना वायरस की वेव आई हुई है, जिसको WHO ने ओमी क्रोन का नाम दिया है। ओमी क्रोन का नाम बीएंगा डॉक्टर, स्पेशली होम्योपैथिक फिजिशियन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नो दैट व्हाट इज ओमी क्रोन। ओमी क्रोन जो लफ्स है, बेसिकली इसकी जो एटेमोलॉजी है इस लफ्स की, इस ये लफ्स ग्रीक जबान के अल्फाबेट्स का 15th लेटर है। मैं थोड़ा इसको और आसान कर दूं, जैसे हर लैंग्वेज, हर जबान के अल्फाबेट्स लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में हम ए टू जी अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी तक। हमारी उर्दू जबान में अलिफ से बड़ी ये तक अल्फाबेट्स होते हैं। इसी तरीके से ग्रीक जबान के, चूंकि ज़्यादातर मेडिकल में वैसे भी ग्रीक और लैटिन दो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर के लिए इन लैंग्वेजेस को थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है। ग्रीक जबान के 24 लेटर्स हैं अल्फाबेट्स के, 24 लेटर हैं अल्फाबेट्स के ग्रीक जबान के, जिसका पहला लेटर है अल्फा, पहला लेटर है अल्फा, दूसरा लेटर है बीटा, तीसरा लेटर है गैमा, चौथा लेटर है डेल्टा। अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा। पांचवा लेटर है एप्सिलोन, एप्सिलोन। छठा लेटर है जीटा, सातवां लेटर है, एक्चुअली मैं ओमिक्रोन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, छठा लेटर है जीटा, सातवां लेटर है ईटा, आठवां लेटर है इसका, सातवां है ईटा और आठवां है थीटा, THETA, थीटा। नाइन्थ लेटर है इसका आयोटा, IOTA, आयोटा। टेंथ लेटर है कैपा, KAPPA, कैपा। अलेवेंथ लेटर है लैम्डा, ट्वेल्थ लेटर है इसका मू या म्यू, MU। थर्टीन पे है नू या न्यू, MU, NU। फोर्टीन पे है जी और 15th पे है ओमिक्रोन, 15th पे है ओमिक्रोन। पहली बात कि ओमिक्रोन नाम कहाँ से आया है। ओमिक्रोन इज 15th लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक जुबान के अल्फाबेट्स का
फिफ्टींथ लेटर, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन जी तक हमारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स हैं, अलिफ बे पे ते ते, ये हमारी उर्दू ज़बान के अल्फ़ाबेट्स हैं, ग्रीक ज़बान के 24 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन मैंने इसलिए 15 तक लिखे हैं कि वी आर हेयर कंसर्न विद द ओमी क्रोन। वैसे ग्रीक ज़बान के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अल्फ़ा पहला है अल्फ़ा, और ओमेगा इसका आखिरी लेटर है 24th, ओमेगा, यानी जिसको हम कह सकते हैं ए टू जी, ग्रीक जबान में कहते हैं अल्फा टू ओमेगा, अल्फा टू ओमेगा, ये इसके 24 लेटर हैं। अब अल्फा बीटा गैमा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा आयोटा कैपा लैम्डा म्यू न्यू जी और ओमिक्रोन। तो ओमिक्रोन, सबसे पहली बात, ओमिक्रोन क्या है? ग्रीक जबान की अल्फाबेट का 15th लेटर, 15वां लेटर ओमिक्रोन है ग्रीक जबान का। अब अगला क्वेश्चन कि फिर इसका कोरोना वायरस के साथ क्या ताल्लुक है? एक्चुअली कोरोना वायरस जब डिस्कवर हुआ, इसके बाद इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, वेरिएंट वैरायटी से है। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसी में हमें और वैरायटीज दिखा दे, इसी चीज में हमें और वैरायटीज दिखा दे, यानी वेरिएंट्स दिखा दे। तो कोरोना वायरस कोरोना ही है बेसिकली, इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, और हर वेरिएंट को WHO ने एक नाम दिया हुआ है, हर वेरिएंट को WHO ने एक नाम दिया हुआ है। जो पहला वेरिएंट था उसका नाम उन्होंने दिया अल्फा, जब पहला वेरिएंट आया। अच्छा, वो बेसिकली तो वो वेरिएंट को एक कोड इशू करते हैं, WHO का एक ज़ेली इदारा है, WHO का एक ज़ेली इदारा है जिसको TAG कहते हैं, TAGVE, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप वायरस एवेल्यूएशन, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप वायरस एवेल्यूएशन, ये इनको हर वेरिएंट को एक कोड इशू करते हैं, एक नॉमिनक्लेचर इशू करते हैं। मेडिकली इस ओमिक्रोन का जो कोड है वो है, इस ओमिक्रोन का कोड B.1.1.5.2.9, ये इस ओमिक्रोन का कोड है B.1.1.5.2.9। लेकिन फॉर द पब्लिक और आम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने इनको आसान नाम दिए हुए हैं, अल्फाबेट्स नाम दिए हुए हैं। मसलन पहला वेरिएंट आया तो उन्होंने इसको अल्फा वेरिएंट का नाम दिया, अल्फा वेरिएंट कोरोना वायरस। दूसरा वेरिएंट आया तो उन्होंने उसको बीटा वेरिएंट का नाम दिया, तीसरा वेरिएंट आया तो उन्होंने उसको गैमा वेरिएंट का नाम दिया, चौथा वेरिएंट आया तो उन्होंने उसको डेल्टा वायरस का नाम दिया, डेल्टा वायरस का नाम दिया। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि डेल्टा वायरस बहुत जो है ना वो स्प्रेड कर रहा था, और डेल्टा की बड़ी वेव आई थी जो इंडिया से डिस्कवर हुआ था, तो उसको इसलिए डेल्टा कहा कि वो ये चौथा वेरिएंट था। उसके बाद अब तक मुख्तलिफ वेरिएंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन
हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कितने मैं दफ्तर बैठा हूँ। अच्छा छुट्टी नहीं कर रही। अच्छा मैं करनी मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करना पे, एक लेक्चर रिकॉर्ड करना पे, लेक्चर ऑनलाइन। मैं से कोई अच्छा कॉल करती है तेरी। साहब अच्छा, चल लगा दो। मैं बस ये लेक्चर रिकॉर्ड करके बताना फिर थोड़ी देर तक। ठीक है। सॉरी, इन्होंने हर वेरिएंट को एक कोड इशू किया है। अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा और ईटा। अब तक तकरीबन 12 टू